बैक्टीरिया और वायरस में अंतर। बैक्टीरिया को सिंपल सूक्ष्मदर्शी से हम देख सकते हैं और वायरस को हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप काफ़ी महंगी आती है और ये सब जगह नहीं होती, बड़ी बड़ी किसी यूनिवर्सिटी में ही ये मिलेंगी जो बहुत हाई लेवल की होंगी, रिसर्च के क्षेत्र में जहाँ पर इनका इस्तेमाल किया जा रहा होगा। बैक्टीरिया जो है ये सजीव है, वायरस जो है ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। ये ना तो कम्प्लीटली सजीव है और ना ही कम्प्लीटली निर्जीव है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वायरस जो है जब तक किसी जीव के शरीर के अंदर नहीं जाएगा तब तक ये क्रियाशील नहीं होगा। तो जब तक वायरस आपके हथेली पर है, बॉडी के बाहर है, ज़मीन में, पर्स में, कहीं पर है, तब तक ये निर्जीव फॉर्म में है। लेकिन जैसे ही किसी लिविंग के बॉडी के अंदर जाएगा ये एक्टिव हो जाएगा और फिर उसको रोग ये देगा। बैक्टीरिया एक कोशिका के बने होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, ये अकोशिकीय हैं। तो अकोशिकीय उनको कहते हैं जिनके अंदर नॉर्मल सेल के अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, ये सब नॉर्मल सेल के अंदर पाई जाती हैं। लेकिन अकोशिकीय उसको कहते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें ना मिल रही हों, कोशिकांग जो है ना मिल रहे हों, उसको अकोशिकीय कहते हैं। तो वायरस के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होती। वायरस सिर्फ दो चीज़ से मिलकर बनता है, एक न्यूक्लियो प्रोटीन और उसके अंदर न्यूक्लिक अम्ल जो होता है डीएनए या आरएनए। बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है और इनमें नहीं होती है। तो सेल वॉल प्रेजेंट होने के कारण ही बैक्टीरिया को प्लांट की कैटेगरी में रखा गया है, बैक्टीरिया को एनिमल की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। क्योंकि एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है, प्लांट में सेल वॉल होती है और बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होती है, इसलिए इसको प्लांट के साथ में रखा गया है। साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, गुणसूत्र, राइबोसोम, ये सभी इनमें पाए जाते हैं। वहीं पर जो वायरस है इसमें केवल न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन मिलेगा। वायरस या बैक्टीरिया जो है ये बड़ा होता है वायरस से और वायरस जो है ये छोटा होता है। बी से बड़ा, तो बी से आप याद रख सकते हैं बैक्टीरिया बड़ा होता है और एक बड़ा है तो दूसरा छोटा है। आप इनके लेटर से भी देख सकते हैं VIRG, वो इसमें 5 लेटर हैं तो ये छोटा है और इसमें ज़्यादा लेटर हैं तो ये बड़ा है। तो कभी बड़े छोटे की बात आ जाए तो इनके नाम से आप जान जाएंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है। और ख़तरनाक की बात करें तो छोटी चीज़ खतरनाक होती है, जैसे चींटी और हाथी में, चींटी छोटी है और हाथी बड़ा है तो ख़तरनाक चींटी होती है। तो ये छोटा है इसलिए ज़्यादा खतरनाक है। सेल के अंदर, बाहर, लैब में, इन ये सब जगह पे प्रजनन कर सकते हैं। तो ये सब जगह अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं, चाहे किसी जीवित कोशिका के अंदर हो, चाहे बाहर हो, चाहे किसी लैब में हो, सब जगह ये अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है, जो भी बताया था मैंने कि ये सिर्फ सजीव कोशिका के अंदर ही आकर के अपनी संख्या बढ़ाएंगे, जनन कर पाएंगे। ये फिल्टर पेपर से जिससे जीवाणुओं को छाना जाता है, तो इससे छानने पर ये छन जाएंगे। छनने का मतलब ये है कि ये छानने पर नीचे नहीं जाएंगे, जैसे चाय छानने पर चाय पत्ती ऊपर रह जाती है तो ये ऊपर रह जाएंगे और साफ साफ चीज़ नीचे चली जाएगी। वहीं पर जो वायरस है ये इतना छोटा है कि ये फिल्टर पेपर से भी नीचे आर पार चला जाएगा।